एग्जामिनेशन so, जो होता है सेकेंड इज मेन्स एग्जामिनेशन और थर्ड और फाइनल स्टेज जो होती है वो होती है इंटरव्यू ये जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है दिस इज एन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं इसमें

और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है ठीक है जैसा आप यहां पे देख पा रहे हैं और पूरा एक का देता है किस से कितने आने है। ये जो 150 का टेस्ट है, पहला सेक्शन जो है वो लॉ का है जो आप यहां पे देख सकते हैं ये जो पूरा सेक्शन है लॉ का दिस कैरीज हंड्रेड एंड टेन मार्क्स ठीक है इसके अलावा जीके सेक्शन होता है ट्वेंटी मार्क्स का कंप्यूटर सेक्शन होता है टेन मार्क्स का और इंग्लिश नॉलेज होता है टेन मार्क्स का अब ये जो लॉ वाला सेक्शन है हंड्रेड एंड टेन मार्क्स का इसमें भी फर्दर डिवीजन दिया हुआ है पूरा किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आने हैं उसका क्लियर कट डिवीजन है जैसे आप यहां पे देख पा रहे सीआरपीसी सीपीसी एविडेंस आईपीसी ये चार मेजर सब्जेक्ट्स हैं यहाँ तीनों प्रोसीजर और एक लॉ तो इनका मिला के सबसे ज्यादा वेटेज है दैट इज मार्क्स मार्क्स ईच ठीक है इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आठ क्वेश्चन आते हैं टीपीए से सात क्वेश्चन आते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से छह क्वेश्चन है लोकल लॉ पहले जब हंड्रेड मार्क्स का प्री हुआ करता था एमपी में लोकल लॉ का वेटेज तब भी मार्क्स था मार्क्स ईच सब्जेक्ट लोकल लॉ में दो सब्जेक्ट्स आते हैं एमपी लैंड रेवेन्यू कोड और एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट ईच ऑफ दी सब्जेक्ट कैरीज फाइव मार्क्स इसके अलावा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से पांच क्वेश्चन आते हैं लिमिटेशन एक्ट से चार क्वेश्चन आते हैं ये टोटल मिला के हो जाता है आपका 110 क्वेश्चंस इसके अलावा अब जो बाकी बचे 40 मार्क्स हैं उसमें 20 मार्क्स का जीके है जैसा आप यहां पे देख सकते हैं ये जो जीके सेक्शन है यहां कोई फर्दर डिवीजन नहीं दिया हुआ है इसमें स्टैटिक जीके भी आता है एमपी का लोकल जीके भी आ जाता है करंट अफेयर्स भी आता है कोई सर्टेनिटी नहीं है कितने क्वेश्चन आएंगे कई बार ऐसा भी हुआ है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं आए कई बार एमपीजी के नहीं आया सो इट डिपेंड्स बिल्कुल भी कोई सर्टेनिटी यहां नहीं है ये वेरी करता है इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज और इंग्लिश नॉलेज बेसिक एकदम टेन टेन क्वेश्चन इससे होते हैं सो दैट इज अबाउट दी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अब जो एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो मेन्स एग्जामिनेशन होता है उसमें भी दो लॉ के पेपर होते हैं और ये जो बारह सब्जेक्ट आप लॉ के देख रहे हैं यही सब्जेक्ट मेंस में भी आते हैं कुछ स्टेट में ऐसा होता है कि प्री के सब्जेक्ट जो होते हैं उसके अलावा एडिशनल भी सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं लॉन्ग के मेंस के लिए एमपी में ऐसा नहीं है यही बारह सब्जेक्ट आपको मेंस में भी मिलेंगे लेट्स हैव लुक ओवर दी पेपर्स ऑफ मेन्स एज वेल तो मेंस एग्जामिनेशन जैसा मैंने आपको बताया चार पेपर हैं इसमें टोटल 400 मार्क्स का होता है 100 मार्क्स ईच थ्री आवर्स का ये मेंस का एग्जाम होता है डिस्क्रिप्टिव ठीक है ये जो चारों पेपर मिला के टोटल मेंस हो जाएगा आपका 400 मार्क्स का अब इंडिविजुअली इस, इसमें से देखिए पेपर वन इज लॉ सिविल लॉ एंड पेपर थ्री इज क्रिमिनल लॉ लॉ के दो पेपर हैं जो वहां हमने 12 सब्जेक्ट देखे थे वही डिवाइड होके सब्जेक्ट यहां पे आएंगे लेट्स हैव अ लुक इन डिटेल over all the papers so this is the paper 1 of the mains examination jaisa maine aapko kaha it is civil so 100 marks ka ye paper hoga total 12 questions yahan pe hote hain अब जैसा वेटेज यहां पे भी बिल्कुल clear दिया हुआ है कि किस subject से के कितने क्वेश्चन और कितने marks के आने हैं CPC, Constitution, Contract, TPA और specific relief. इसका बिल्कुल सेम सिलेबस है दो क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आने हैं मार्क्स ईच नाउ वन थिंग दैट यू सी पी एसी का सिलेबस काफी ज्यादा है इसका वेटेज है वेटेजी मार्क्स स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आप यहां देख पा रहे होंगे चैप्टर भी स्पेसिफाइड है सिर्फ इन चैप्टर से ही क्वेश्चंस आने हैं सिलेबस बहुत कम है इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स लेकिन इट आल्सो कैरीज इक्वल वेटेज 16 मार्क्स यहाँ एक डिफरेंस आ जाता है कि कॉलेज के लिए जब हम पढ़ते हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हेयर यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट योर स्ट्रैटेजी तो अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए क्योंकि वो भी उतने ही मार्क्स मेन्स में दिलाएगा जितना आपको कोई एक मेजर सब्जेक्ट दिला रहा है ठीक है इसके अलावा ये तो हो गए इन दो क्वेश्चन जो हर सब्जेक्ट से आते हैं इसके अलावा जैसे यहां पे लिमिटेशन एक्ट है इससे एक क्वेश्चन आता है आठ नंबर का ये टोटल हो जाएंगे आपके ग्यारह क्वेश्चंस लास्ट जो ट्वेल्थ क्वेश्चन यहां पे होता है ये होता है बारह मार्क का ये जो ग्यारह क्वेश्चन है आठ आठ नंबर के होते हैं एटी एट मार्क्स हो गए बारह नंबर का एक लास्ट क्वेश्चन आता है जो होता है शॉर्ट नोट इसमें तीन टॉपिक दिए होते हैं जिनपे आपको शॉर्ट नोट लिखना होता है ये तीन टॉपिक भी इन छह सब्जेक्ट से ही होंगे ये जो मेंशन है इन्हीं छह सब्जेक्ट में से तीन टॉपिक होंगे और उस पे और यहां पर एमपीसीजे में एक चीज इंपॉर्टेंट है कोई ऑप्शंस नहीं होते क्वेश्चंस में कोई ऑप्शन नहीं है जो दिया है उसी का आंसर लिखना है शॉर्ट नोट में भी जो तीन दिए उन्हीं पे लिखना है और शॉर्ट नोट फोर मार्क्स ईच होता है इसीलिए ये लास्ट क्वेश्चन ट्वेल्व मार्क्स का होता है टोटल इट इज हंड्रेड मार्क्स द ड्यूरेशन इज थ्री आवर्स नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर द पेपर पेपर मेंस का ये जो सेकेंड पेपर है ये है एसे और ट्रांसलेशन का पेपर इसमें जैसा आप देख पा रहे हैं सोशल इशू पे एक ऐसे लिखने को आता है टॉपिक्स दिए रहते हैं इनमें आपको चूज करना होता है एक टॉपिक तो सोशल इशू uh, पे जो आता है थर्टी मार्क्स का आता है लीगल इशू पे ट्वेंटी मार्क्स का इससे इसके अलावा प्रेशर राइटिंग एक आता है ट्वेंटी मार्क्स का जहां एक पैराग्राफ दिया उसको शॉर्ट में समरी लिखनी होती है इसके अलावा यहाँ पे क्योंकि अलग से मेंस में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर ना होते हुए ट्रांसलेशन है उसकी जगह पहले ट्रांसलेशन के लिए पैराग्राफ्स आते थे अब पॉइंट वाइज आता है हिंदी के पंद्रह सेंटेंसेस दिए रहेंगे जिन्हें आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना और इंग्लिश के सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट करना है फिफ्टीन मार्क्स ईच थर्टी मार्क्स का ट्रांसलेशन टोटल इट इज हंड्रेड मार्क्स ड्यूरेशन इज सेम दैट इज थ्री आर्स Now, paper, so so now now let's let's have have a a look look over over the paper, the 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 other paper, paper paper paper. third one. So of mains examination. criminal law नहीं आते वो इधर कवर हो जाएंगे तो यहाँ पे देखिए पैटर्न बिल्कुल वैसे ही है जैसे पेपर वन का था सी आर पी सी दो क्वेश्चन एटमार्क एविडेंस आईपीसी और दोनों लोकल लॉ सेम वेटेज रखते हैं दोनों लोकल लॉ भी जितना पुराने वाले का था जैसे CRPC का जितना वेटेज है उतना ही एमपी एकोमोडेशन भी बहुत छोटा सा एक्ट है लेकिन इससे भी मार्क्स आने हैं तो यू शुड बी केयरफुल प्रिपेयरिंग आनेशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से एक क्वेश्चन पूरा नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है मेंस के लिए स्पेसिफिक पोर्शन दिया हुआ इतना ही पढ़ना है आपको और यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है आठ नंबर का सेम वैसे ही शॉर्ट नोट आएगा जिसमें तीन टॉपिक होंगे इन्हीं छह सब्जेक्ट से उस उसपे शॉर्ट नोट लिखना है दिस इज पेपर

आप चाहें तो जजमेंट राइटिंग उस समय आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं अगर लॉ आपका ऑलरेडी पूरा प्रिपेयर है मेंस के हिसाब से तो देखिए फोर्थ पेपर में सेटलमेंट ऑफ इश्यूज आता है टेन मार्क्स की और दो जजमेंट लिखने फैक्ट दिया होता है पूरा एक उस पर आपको जजमेंट लिखना है एक सिविल का होता है एक होता है क्रिमिनल फोर्टी मार्क्स एच ये हंड्रेड मार्क्स का पेपर है थ्री आर्स अब ये जो पेपर होते हैं मेन्स के ये एक दिन में दो पेपर होते हैं नॉर्मली जो पैटर्न है हेमरी का एक दिन में दो पेपर होते हैं फर्स्ट डे जब होगा मेंस का उसमें पेपर पेपर टू हो जाएगा और नेक्स्ट डे ही आपके बाकी के दो पेपर होंगे तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता और राइटिंग प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि एक दिन में सिक्स आवर्स आपको लिखना है तीन घंटे लिखना है फिर थोड़ा गैप होता है अगला पेपर थ्री आवर्स का होता है सो यू शुड बी वेरी गुड इन राइटिंग इंटरव्यू थर्ड स्टेज दैट इज इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पे होता है विच कैरी फिफ्टी मार्क्स ठीक है 50 मार्क्स का पर्सनल इंटरव्यू है लास्ट जो वैकेंसी आई थी एमपीसीजे की उसके बाद से यहां एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है वो ये कि आ, इसके लिए इंटरव्यू फाइनली क्रैक करके मेरिट लिस्ट में आने के लिए यू शुड एटलीस्ट सिक्योर 20 मार्क्स 20 नंबर जरूरी है मिनिमम मार्क है ये अगर आपके ट्वेंटी मार्क्स नहीं है इंटरव्यू में तो आपके मेन्स में कितने भी मार्क्स हो फाइनल सिलेक्शन आपका नहीं होगा ठीक है अच्छा अब जो फाइनल सिलेक्शन होता है जो मेरिट लिस्ट बनती है वो बनती है आपके मेंस और इंटरव्यू के एग्जाम पे प्रलम सिर्फ क्वालिफाइंग होता है कि कौन मेंस एग्जाम देगा ठीक है मेंस जो है टोटल 400 मार्क्स का है प्लस इंटरव्यू हो गया आपका 50 मार्क्स टोटल हो गया 450 इसमें से मेरिट प्रिपेयर होती है और एक रिक्वायरमेंट जो अभी मैंने बताया कि फिफ्टी में से ट्वेंटी लाना जरूरी है ठीक है सो so, और मेन्स के लिए भी फोर्टी की रिक्वायरमेंट है कि आपका एटलीस्ट ओवरऑल फिफ्टी